जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान के नाम जप का अभ्यास होने के बाद मन से सोचते और हाथ से काम करते रहने पर भी जीभ से नाम अपने आप निकलता रहेगा। सारे शास्त्रों के सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। श्री भगवान के एक भी गुण का रहस्य, एक भी नाम की महिमा, एक भी चरित्र का प्रभाव, एक भी शक्ति का तत्व जान लिया जाए अथवा एक भी रूप को जरा सी भी झांकी का ज्ञान हो जाए तो फिर भगवान से क्षण भर के लिए भी चित्त नहीं हटेगा। मेरी समझ से सबसे सरल साधन है नाम का अभ्यास। मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे और हाथों से काम। अभ्यास होने पर ऐसा होना खूब संभव है। बस मुख नाम की ओट लगी है, विश्वास होगा तो इस नाम उच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। श्री भगवान पर विश्वास रखकर उनका नाम जप करना चाहिए और उनकी कृपा पर भरोसा करके अपने को सर्वतोभाव से भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना हो सके तो भी नाम जप करना चाहिए। जैसा भाव हो उसी से कल्याण होगा। आंशिक कृपा के दर्शन होंगे और सांसारिक वासनाएं किसी अंश में पूर्ण होंगी, परंतु इसमें घाटा यही रह जाएगा कि शीघ्र ही भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को याद रखने का उपदेश घंटे दो घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्ध हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है, यों भूल रह जाना संभव है। इसलिए संख्या की अवधि बांधकर जप करना चाहिए। यह आदेश तो उन आरंभिक साधकों के लिए है जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं। न करने की अपेक्षा ऐसा करना बहुत उत्तम है। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते, दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उनकी चरण धूलि लेने दौड़ते हैं। श्री भगवान के नाम का जप जैसे बने वैसे ही करते रहिए। करते करते नाम के प्रताप से विश्वास बढ़ेगा। न घबराइए, न हार मानिए। मैं तो एक श्री भगवान नाम को जानता हूँ, उसका पूरा महत्व तो नहीं जानता, परंतु विश्वास है कि भगवान नाम से सब कुछ हो सकता है और आपको भी उसी का आश्रय लेने की नम्र सलाह देता हूँ। उपदेश देने का तो मैं अधिकारी नहीं हूँ, सलाह के तौर पर यही कह सकता हूँ कि आलस्य, असंयम और अविश्वास त्याग करके श्री भगवान का नाम जप करना चाहिए तथा नाम जप करते हुए ही भगवत सेवा के भाव से कर्तव्य कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। सीधे तीन काम हैं। पहला, भगवान का नाम जप। दूसरा, बाहरी पापों का बिल्कुल त्याग। तीसरा, भगवान की दया पर विश्वास। इनसे सारी बातें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। इनमें भी तीनों न हो तो दो करें, नहीं तो कम से कम एक भगवान नाम का जप स्मरण निरंतर करते रहने की कोशिश करनी चाहिए कलयुग में केवल क्रिया से तारने वाला, महान फल देने वाला भगवान नाम ही है। और सारे साधनों में भाव की आवश्यकता है। नाम भाव से, कुभाव से कैसे भी लिया जाए कल्याणकारी ही है। अवश्य ही भाव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया में जहाँ तक हो ऊंचे से ऊंचे भाव में
पूरी विधि तथा बाहरी क्रिया तीनों का ही ख्याल रखकर तीनों ही करते रहना चाहिए। हारे को हरि नाम। श्री भगवान का नाम जप करते रहिए, श्री भगवान का नाम जप करते रहिए और कम से कम यह दृढ़ चेष्टा रखिए जिसमें वाणी और शरीर से कोई पाप ना हो। मानसिक पापों से बचने की यथासाध्य कोशिश कीजिए। नाम का आश्रय होगा तो पाप अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। एक उपाय बहुत उत्तम है, प्रतिज्ञा कर लीजिए प्रति क्षण लगातार नाम जप की। नाम जप का तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटेगा तो निश्चय ही सब पाप मर जाएंगे। यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। रही मेरे बल देने की बात, सो मेरे पास एक ही बल है, हारे को हरि नाम। और आपसे भी यही कहता हूँ, उसका आश्रय लीजिए। सारे पाप तापों से छुड़ाने में नाम में पूर्ण सामर्थ्य है। जय श्री राधे। आप जरूर बताइएगा भाई जी की ये वाणी कैसी लगी। देखिए, कल एक साधक ने प्रश्न किया था कि क्या नाम जप से सब कुछ हो सकता है। भैया देखिए, मैं तो यही कहूँगा, मैंने जितने महात्माओं को पढ़ा है सुना है तो सभी ने ये बात कही है कि नाम जप सब कुछ कर सकता है। विश्वास से जपें या ना जपें, भाव से जपें या ना जपें, भाव कुभाव सब चीज़ों को परे रख करके बस नाम जपते रहिए। राम 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 राम। भाव भी उत्पन्न हो जाएगा, विश्वास भी उत्पन्न हो जाएगा। नाम में स्वयं में ऐसी शक्ति है जो भाव विश्वास श्रद्धा सब कुछ प्रकट कर देती है। धीरे धीरे सब हो जाएगा, बस आप नाम जपिए, बस आप नाम जपिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।